सात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है यहाँ पर 2024 में, सातों सीट भी आप अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए। ये झील क्या, पूरी दिल्ली को हम समुंदर, गोवा का बीच इसको बना देंगे, अगल बगल में समुंदर लहराएगा। तो जब केजरीवाल कह रहे हैं झीलों की नगरी बना देंगे तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो इसमें हम उनको क्यों उनका विद्रोह करें इस बात। यमुना का साफ करना, सीवर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, ये सब जो सर्वे के बाद जो पानी जमा हो जाता है ये तो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। वो अपनी जो कार्रवाई होती है उसको ना करके वो सेंट्रल के ऊपर या दूसरे एजेंसियों के ऊपर मर देते हैं, ये उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उन्हें अपनी भी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। देखो पहले तो ये बीजेपी पे दोष मलते थे, बोलते थे ना जब थे ना, आप आ गया ना, आप तो हो ही गया, छह महीने हो गए, चार महीने समथिंग तो हो ही गए, चार महीने में तो बहुत काम हो जाएगा भाई। झील बनाया कितना जगह और बनता, अब ये नहीं है कि पानी का बाहर आ गया तब उसमें कह रहे हो मजे ले रहे हो कि ये है झील, क्यों ऐसा क्यों, तो हर जगह झील बनी है, यूपी, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, हर जगह झील बनी है बरसात के पानी से, उनको इनको साथ जोड़ के को देखते हो। केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया पर, कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली झीलों का शहर बना देंगे और उसमें पानी दिखाया जा रहा है और लोग बड़ा छटकारे लिए लेते हुए मज़ा ले रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए नो डाउट दिल्ली में अभी जो बारिश हुई है तो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है, इसमें तो कोई ना केजरीवाल कुछ कर सकते हैं ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है, बेसिक समस्याएं हैं, यमुना का साफ करना, सीवर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, ये सब जो सर्वे के बाद जो पानी जमा हो जाता है ये तो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। वो अपनी जो कार्रवाई होती है उसको ना करके वो सेंट्रल के ऊपर या दूसरे एजेंसियों के ऊपर मर देते हैं, ये उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उन्हें अपनी भी जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, इसके चलते दिल्ली में ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे पहला ड्रेनेज सिस्टम तो वैसे अभी ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही चला आ रहा है दिल्ली में। देखिए एक्चुअल में दिल्ली को दिल्ली किसने बनाया? केजरीवाल तो बनाए नहीं है। केजरीवाल के समय के आप जब देखिए, केजरीवाल का लगभग तीसरा कार्यकाल है, वो चाहते थे दिल्ली के, वो दिल्ली को बहुत अच्छा ले जा सकते थे, वो एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जो ड्रीम थी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन उन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं बना पाया, क्योंकि प्रॉब्लम यह था कि उनकी कॉम्पिटिशन मोदी जी से थी, कि उनका मेन मकसद ज़्यादा अधिकतम समय सेंट्रल को कोसने में लग गया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अगर वो काम किए रहते तो शायद तक आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता। प्रॉब्लम तो होता है कि 40 साल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम को बैठ के डिस्कस कर सकते थे दोनों सरकारें, और प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन ये होता कि दिल्ली के लोगों को इसका बेनिफिट मिलता, जो आज दिल्ली के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में जो जल भराव हुआ इस बार, आप कमी मानते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार की कमी है? मैं तो अरविंद केजरीवाल की ही सरकार को बहुत ज़्यादा कमी मानता हूँ, क्योंकि आप हर बार सेंट्रल को के ऊपर ब्लेम लगा के अपनी कमी को नहीं छुपा सकते हो। आपको भी अगर दिल्ली केंद्र के अधीन है तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी, दिल्ली की जनता चीफ मिनिस्टर को भी चुनी है, तो वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं? वो तो हमेशा कभी पंजाब, तो बिहार, तो कभी महाराष्ट्र, वहाँ पर दिख रहे हैं, दिल्ली में तो दिखते ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो उनको तो सरकार बनाने और मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम है कि आपको अपने दिल्ली के बारे में तो सोचना जरूरी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली देश की राजधानी है, अगर राजधानी का हालत ये है तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल इमेज भी बहुत खराब होता है, और इमेज तो अभी छोड़िए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है इन पानी भराव से। हरियाणा से भी अगर ज़्यादा पानी छोड़ा गया होता तो उससे भी यमुना का जलस्तर बढ़ता, तो दिल्ली में अगर पानी भर गया तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये एक आरोप होता है हमेशा। देखिए नदी तो किसी की होती नहीं, ना दिल्ली की है ना हरियाणा की, वो तो एक जगह से दूसरी जगह की जो मूव होती है, लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जो आप कर सकते हो, आपने अपना काम भी तो नहीं किया, हरियाणा को जो करना था तो ठीक है उन्होंने पानी छोड़ा, तो आपको भी तो उसके डिफेंड में कुछ ना कुछ अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, अपने डिपार्टमेंट, अपने अमला, अपने नौकर साहब को एक्टिव करना था, उनको मालूम है कि बरसात के दिन में दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनको एक रोड मैप तो बनाना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने नहीं किया ऐसा, वो तो नीतीश कुमार इनके साथ मिलकर ना मोदी को हराने के लिए ना बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है इनके साथ। तो वाकई में दिल्ली में झीलों का शहर देखने को मिल रहा है, मतलब गली गली नहीं, बड़ी बड़ी रोडों पर पानी जल भराव पड़ा है, तो लोग उसको बड़ा छटकारा दे मजे ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो राजनीतिकरण, जैसे मैंने आपको पहले बयान में मैंने कहा कि सभी जगह जल भराव हो रहा है, सभी जगह कर्नाटक की जनता दिल्ली पर वीडियो बना रही है, और हिमाचल की जनता दिल्ली पर वीडियो बना रही है, दिल्ली वाले हिमाचल के वीडियो बना रहे हैं, आपस में आरोप भी चल रहे हैं। तो ये आरोप कहना कि देखो अरविंद केजरीवाल की अगर आप अंदरूनी आप इच्छा देखोगे तो वो दिल्ली को लंदन बनाना चाह रहे हैं, और अगली बार आप उनको जिता दीजिए, और सात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है यहाँ पर 2024 में, सातों सीट भी आप अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए। ये झील क्या, पूरी दिल्ली को हम समुंदर, गोवा का बीच इसको बना देंगे, अगल बगल में समुंदर लहराएगा।
समंदर की बात कर दी और लोग ये कह रहे हैं कि बारिश इस बार अगर ज़्यादा हुई है तो ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं सुधरा है। नहीं, इससे तो उल्टा बहुत अच्छा काम हुआ है। जो सीवर चौक हो गए थे, जिन सीवरों में पन्नियाँ भरी हुई थी, आज वो सारे सीवर साफ हो गए हैं। ये तो गलती हमारी है, ये गलती भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों की है जो भेलपूरी खाते हैं, पन्नी खाते हैं, दोना खाते हैं और सीधा नाली में डाल देते हैं। ये सीधा सीधा उन्हीं का काम है, अरविंद केजरीवाल। और हम देखो, हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो अब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने प्रण ही दिल्ली को साफ करने का लिया हो उस पर आरोप लगाना गलत बात है। अगर हरियाणा से भी ज़्यादा पानी छोड़ा जाता तो यमुना का भी जल स्तर बढ़ता, तो फिर ऐसे में तो दिल्ली में पानी अगर भर गया तो इस पर फिर जनता इतनी नाराज़ क्यों है? नहीं, कोई जनता नाराज़ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नाराज़ है। कोई जनता नाराज़ नहीं है, जनता में खुशी की लहर है। और जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वहाँ पानी पहुँच गया है। जो हमारा वादा था यमुना को साफ़ कर देंगे, वो हमने आज साफ़ कर दिया। सारी गोदी मीडिया सबको मैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ, चले जाओ यमुना किनारे, आपको यमुना एकदम साफ़ मिलेगी। कोई पन्नी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, कचरा नहीं मिलेगा। जो यमुना काली थी आज एकदम साफ़ सुथरी होके चल रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बीच में पता नहीं कहाँ से उसको गंदा कर देते। आपने यमुना की बात करी तो यमुना में तो सफ़ेद झाग दिखाई देता है, पानी तो कहीं दिखाई नहीं देता। अब आप जाके देख लीजिए ना, वीडियो आ रही होंगी, सारी यमुना साफ है एकदम, खतरे के निशान पर दिखा रहे हैं यमुना को। वीडियो साथ आप खतरे के निशान को मत देखिए, आप यमुना की पानी की क्वालिटी देखिए, आप एकदम साफ हो चुकी है, खतरे के निशान मत देखिए आप। और दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि वेनिस लगने लगा हमारा दिल्ली, इस पर आपका क्या कहना है सर? वो आप तो आप भी देखो, इतनी जगह जा रहे हैं दिल्ली के, इतने एरिया में जा रहे हो आप, देखिए आपको कनॉट प्लेस एक साफ़ सुथरा लगा होगा। आप जैसा आउटर चले जाइए, संगम बिहार चले जाइए आप, ठीक है, इधर खानपुर चले जाइए, आय नगर की तरफ जाइए, लोकल कॉलोनियों में जाइए ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा। आप छोड़िए लोकल कॉलोनियों में मत जाइए, अभी आप जमुना पार चले जाइए, जमुना पार की क्या स्थिति है, कोड़ा जगह जगह गिरा पड़ा है। दिल्ली में जो जल भराव हुआ है इस बार, आप कमी मानते हैं कि ये सरकार की कमी है? सरकार की कमी है सर, देखिए ना, कहीं पर नाली नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? अगर जगह जगह सफाई नहीं होगी, जगह देखो आज की डेट में एमसीडी वगैरह में भी सारी है कि देखो, पहले तो ये बीजेपी पे दोष मलते थे, बोलते थे ना, जब थे ना, आप आ गया ना, आप तो हो ही गया, छः महीने हो गए, चार महीने समथिंग तो हो ही गए, चार महीने में तो बहुत काम हो जाएगा भाई। और दिल्ली की जनता भी कह रही है कि हम दिल्ली में नहीं है, वेनिस में है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, बिल्कुल सही बना उन्होंने, बोला कि दिल्ली को हम कितने सारे खड्डे बना देंगे, मतलब जितने गड्ढे बना देंगे, और वही तो हो रहा है, वही तो किया है उन्होंने, काम तो कर ही है। हर जगह दिल्ली में पानी देखो, इवन के यहाँ पे ये जो बंद है वो इंडिया गेट का, वो जो नीचे वाला रोड है अंडरपास, वो भी बंद पड़ा है। वो किस लिए बंद पड़ा है? अगर होता तो वो ठीक कर देते, अगर इनको वो तो पहले से ही पता था, सरकार आने से पहले वहाँ से तो पानी आएगा ही आएगा। यमुना का पानी आज यमुना हाई लेवल पर पहुँच गई है, यमुना डूबने वाली है, अब हाई लेवल का पानी है। आज सवेरे मैंने मॉर्निंग में देखा था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया बताइए? अच्छा, जल स्तर तो बढ़ता ही रहता है हमेशा, वो तो पानी तो छोड़ेंगे और यहाँ से नहीं छोड़ेंगे, कहाँ से छोड़ेंगे? लेकिन अंदर की फैसिलिटी क्या करी है उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो जब केजरीवाल कह रहे हैं झीलों की नगरी बना देंगे तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो इसमें हम उनको क्यों उनका विद्रोह करें इस बात? ज्यादा बारिश हो गई तो ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं सुधारा गया? ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं, पिछले साल के मुताबिक इस बार थोड़ा कम देखने को। कल केजरीवाल, हम क्या बोले, केजरीवाल जी का कल इंटरव्यू आया था, सरकार का इंटरव्यू आ रहा है, सामने वो बंदा आकर के कन्फेस कर रहा है कि किस प्रॉब्लम के कारण इतना चीज हुआ कि आपका पानी उधर से खोल दिया हो जाता है, तो इस बार बहुत कम हुआ है। अब रही ड्रेनेज की बात, तो चेक की बात है। दिल्ली में जो जल भराव हुआ है इस बार, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें कितनी दोषी है? नहीं, सरकार भी दोषी है, ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें पूर्णतः तरीके से दोषी नहीं है, सरकार को चेक करना चाहिए था। जैसे आप ड्रेनेज के अंकल जी बात की, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर बारिश हो रहा है, मानसून आ रहा है, तो उसके पहले ड्रेनेज को चेक कराना चाहिए कि ड्रेनेज में क्या क्या है, लीकेज है कि नहीं है, इन्फ्लक्स ज़्यादा पानी का आएगा तो कैसे बचा जाएगा, ये सब करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी कल ही आके स्पष्टीकरण दे चुके हैं इस बात पर, तो इस पर बोलना कुछ उचित नहीं होगा। जो दिल्ली के लोग हैं वो कह रहे हैं भैया हमारा दिल्ली दिल्ली नहीं रह गया, वेनिस बन गया, इस पर क्या कहना? नहीं नहीं, ये तो सब गलत कह रहे हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिल्ली दिल्ली नहीं रहा, वेनिस बन गया है। हाँ, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, और जो डेवलपमेंट ये करा गया है, इसकी स्टार्टिंग तो कांग्रेस ने ही करी थी, आके इसे जो आगे बढ़ाया है वो केजरीवाल जी ने बढ़ाया। ये जो सोशल मीडिया है, इसमें क्या है, बस ये मीम्स ही बनाने हैं। पानी कहाँ नहीं भरा? अब वैसे देखो तो हरियाणा में, ये अपना पंजाब में, और कल आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, ये अपना जो हिमाचल प्रदेश है उसमें तो मंडी वाले डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत भयंकर वाली त्रासदी आई है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब बारिश इतनी हुई है, रोड पे पानी भरेगा, अब केजरीवाल भी कर रहा है एमसीडी, अब पहले बीजेपी के पास थी, अब इनके पास है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन कुदरत क्या के तो सब फेल है, उसमें क्या कर सकते हो?
रोड ठीक है, बीजेपी ने भी एमसीडी में भी काम करवाया था, बनवाए थे, सफाई उफाई भी थी, केजरीवाल भी करवा रहा है, विधायक भी इसके रोड वोड बनवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। झील बनाया कितना जगह और बनता, अब ये नहीं है कि पानी का बाहर आ गया तब उसमें कह रहे हो मजे ले रहे हो कि ये है झील, क्यों ऐसा क्यों? तो हर जगह झील बनी है, यूपी, हरियाणा, गुजरात, बम्बई, हर जगह झील बनी है बरसात के पानी से, उनको इनको साथ जोड़ के को देखते हो आप। अगर ज़्यादा बारिश हुई है तो ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा गया अभी तक? क्या क्या बारिश के कौन रोक सकता है भाई, क्या ऊपर छतरी लगा दोगे आप? ये केंद्र सरकार को रोकने का नहीं है क्षमता, ये सिर्फ राज्य मतलब सिर्फ दिल्ली में बारिश हो रही है, है? और जगह बारिश नहीं हो रही है। हाँ जी, और जगह नहीं हो रही है, तो ये केजरीवाल की गलती है क्या है? आप लोग कुदरत से भी जोड़ के देख रहे हो उसे।